डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस पे दैट्स गोइंग टू बी आवर टॉपिकस एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सो लेट्स बिगिन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट्स अ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन क्या होती है इट्स सिंपली इट्स अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सबस्टेंसिस रिएक्टेंस कम्बाइंड टू फार्म इन न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट दैट इज यहाँ पे एक रिएक्टेंट है ए एंड बी जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फार्म इन न्यूस्टेंस दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एंड हाउ डू यू डिफाइन रिएक्टेंट्स रिएक्टें जो होते हैं ये वो सबस्टेंस होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो यूजुअली केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं एंड जो प्रोडक्ट होता है ये कंपाउंड होता है जो बनता है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट इज व्हेन अ रिएक्टेंट ए एंड बी कंबाइंस, दैट इज नाउ वी विल सी अनदर एग्जाम्पल सिंपली

एंड ना ही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना इसे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती हैं और ना ही कार्बन की प्रॉपर्टी होती हैं इट इज़ ए न्यू सबस्टेंस जो प्रोडक्ट होता है ये न्यू सब्सटेंस होता है ना इसे बी की प्रॉपर्टी होगी एंड ना ही ए की प्रॉपर्टी होगी ओके नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी से वन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे हाउ वी कैन से सेट ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इसके लिए कुछ इंडिकेशन्स हैं जो पहली इंडिकेशन हैं दैट इज चेंज इन स्टेट हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो गई जब कोई सबस्टेंस अपनी स्टेट चेंज करता है फॉर example, इफ़ वी सी वैक्स इफ़ वी burn इट दैट candle. अगर हम इसे जलाते हैं तो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है वाटर वेपर्स एंड कार्बन dioxide. तो यहाँ पर जो वैक्स की स्टेट थी वो सॉलिड थी सॉलिड से किस स्टेट में हुआ कन्वर्ट गैस एंड गैस यानी वाटर वेपर जो गैस की स्टेट में बाहर जाते हैं एंड कार्बन dioxide ये भी गैस की स्टेट में बाहर चला जाता है

ये ब्लू कलर का होता है एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ आयरन इसका जो कलर होता है वो टर्न होता है इनटू ग्रीन ठीक है ये एक और इंडिकेशन है फॉर टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस और नॉट नाउ एक और इंडिकेशन दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस now if we see example that is when zinc reacts with hydrochloric acid or dilute sulfuric acid then hydrogen gas is produced ठीक है हमारे पास लैब में होता है सल्फ्यूरिक एसिड जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं इसमें थोड़ा बहुत वाटर ऐड करते हैं ठीक है देन इट बिकम्स अ डाइल्यूट नाउ इफ वी पुट लफरिक एसिड दैन सल जो जिंक है ये रिप्लेस करेगा ठीक है हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा एंड यहाँ पे जो कंपाउंड फार्म होगा दैट वुड बी जिंक सल्फेट नाउ एन अदर इंडिकेशन टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन टू प्लेस आर नाट दैट इज चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर का चेंज होना नाउ इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल जब क्विक लाइम क्विक लाइम हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को ठीक है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन स्लेक्ड लाइम फॉर्म होता है स्लेक्ड लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रो बोलते हैं एंड अलॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूसड ओके नाउ एन अदर डेट फिफ्थ इंडिकेशन टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन टू प्लेस आर नाट देट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रसिपिटेट अब ये प्रेसिपटेट क्या होता है ये एक इंसॉलिबल कंपाउंड फार्म होता है जब एक केमिकल रिएक्शन हो जाती हैं यूजली वेन कैटाइनज एंड एनाइंज इन एक्वासोल्यूशन कंबाइन होते हैं दम सॉलिबल आयोनिक सॉलिड ठीक है ओके नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज दिस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये क्या होता है यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे वन पोटाशियम आयोडाइड जब पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ ठीक है ए येलो प्रेसिपिटेट फार्म होता है जिसे हम कहते हैं लेड आयोडाइड तो ये इनसॉलेबल होता है ठीक है इसे हम इस इंडिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं एरो डाउनवर्ड्स, एंड इट्स इंसॉलेबल इन पोटाशियम नाइट्रेट ओके नाउ वी विल सी व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है इट इज़ यूजली इन सिंपल वर्ड्स वी कैन सी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो दिखाती हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्टेंट है ए प्लस बी विथ इन बिटवीन एरो एरोसाइन एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट फार्म होता है सी ठीक है जो लेफ़्ट होंगे दैट इज़ रिएक्टेंट्स एंड जो राइट साइड में होंगे वो प्रोडक्ट्स होंगे ओके नाउ बिफोर वी डिस्कस फर्दर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन्स ओके नाउ एक्सोथर्मिक थर्मिक रिएक्शंस आर ऑलदोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्वड ओके Now, if we look at the example burning of methane. When we methane burn methane in presence of oxygen, carbon dioxide and vapors are formed, plus a lot of heat is generated. All those reactions in which heat is evolved are termed as exothermic reactions. Similarly, we have another term that is endothermic reaction. Endothermic reactions are all those reactions in which heat is absorbed during the reaction usually we have a calcium carbonate when we apply heat on it it breaks into calcium oxide and carbon dioxide okay this was it now we will go to our topic that is combination reaction now what is a combination reaction in simple words we can say all those reactions in which two or more chemical substances combine to form a single compound or a chemical substance. If we look at the example, burning up magnesium. Here it's a magnesium. When it combines with oxygen, it forms magnesium oxide. Okay, now we see. Here, two reactants hain. एंड जो प्रोडक्ट फार्म होता है वो सिंगल कंपाउंड होता है ठीक है एंड ऐश भी प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम स्ट्रिप यूजुअली हमारे लैब्स में होता है एंड सिमिलरली वी कैन सी आयरन जब रिएक्ट करता है सल्फर के साथ तो आयरन सल्फेट बनता है यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं एंड कंपाउंड जो फार्म होता है सिंगल सो यूजुअली वी से कि जो कम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें सबस्टेंसेस या एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं यहाँ पे कंबाइन हुआ है आयरन और सल्फर एंड इन्होंने आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस किया यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुआ एंड इन्होंने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड नाउ नाउ

ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है एज अ रिजल्ट न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है एंड यूजुअली दीज रिएक्शंस ऑकर इन एक्वस सॉल्यूशन एंड यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट हैं कॉपर को रिप्लेस करता है जिंक एंड जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होता है एंड कॉपर बाहर आ जाता है सिमिलरली वी हैव अ लेड रिएक्टिंग विद सी यू सी एल टू ना लेड रिप्लेस करता है कॉपर को एंड कापर बाहर आ जाता है एंड लेड क्लोराइड इज फॉर्मड नौ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल देयर इज गिवेन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं इस टॉपिक को एक अच्छी तरह से समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए यहाँ पे जो सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज़ दी गई हैं यहाँ पे पोटाशियम सोडियम कैल्शियम ठीक है ये वाली एंड ये वाली बोथ आर करेक्ट इसमें सिंपल एलिमेंट्स दिए गए हैं जो हम ईज़िली याद रख सकते हैं फॉर लोअर क्लासेज एंड फॉर हायर क्लासेस वो यहां से याद कर सकते हैं ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिम्बर रिएक्टिविटी सीरीज टू अंडरस्टैंड डिसप्लेसमेंट रिएक्शन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाउ नेम सजेस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल यानी दो डिस्प्लेस होते हैं रिएक्शन में अब इसमें क्या होता है ऑल दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग दियर आई टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड ओके आकर्स इन सोलूशन सोलूशन में होता है एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मर इज इनसॉलिबल यानी प्रेसिपिटेट और गैस की सूरत में होता है एक कंपाउंड अदरवाइज इफ दे मिक्स टुगेदर दो अलग अलग कंपाउंड्स फार्म नहीं होंगे तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे दैट इज बैरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विथ सोडियम सल्फ़ेट तो जो बैरियम सल्फेट यहाँ पे बनता है इट इज़ अ प्रसपिटेट एंड सोडियम क्लोराइड दैट इज़ अ साल्ट। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन इस रिएक्शन में क्या होता है दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं विथ ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग देयर आय टू फॉर्म न्यू टू कंपाउंड्स एंड उनमें से क्या होता है जो न्यू दो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं एक इनसॉल्युबल होता है यानी प्रेसिपिटेट हो सकता है या गैस हो सकता है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बैरियम सल्फेट है ओके okay. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक That we are going to discuss that's going to be decomposition reaction and their types, and oxidation and reduction. Okay, so this was all for today. Thank you.